अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शराफा जी। मैं मेरी कंपनी है बिशारत एस्टेट एंड बिल्डर्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये रहमान गार्डन फेज 7 की मेन एंट्रेंस पे। ये शरफपुर रोड पे ये सोसाइटी वाकई है लाहौर के अंदर। तो आज की वीडियो में मैं आपको साइट टूर कराऊंगा। स्ट्रीट विजिट होगा हमारा रहमान गार्डन फेज 7 के हैदर ब्लॉक का। हैदर ब्लॉक जो कि ऑन ग्राउंड कंपनी ने सेल किया था 3 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर, उसमें कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, क्या सूरत हाल है, तो उसका स्ट्रीट टूर करेंगे हैदर ब्लॉक का। तो आइए मेरे साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और हैदर ब्लॉक की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। तो जैसे हम मेन एंट्रेंस क्रॉस की मेन बुलेवार्ड पे आए, जो कि 150 फीट की है, इसके साथ सर्विस रोड और साइडों के ऊपर 4-4 मरला कमर्शियल प्लॉट्स हैं। शुरू के अंदर ए बी ब्लॉक है, हम उसको बाद में विजिट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये जो नाले के ऊपर ब्रिज हमने क्रॉस किया, तो उसी तरह से ये 150 फीट की जो मेन रोड है ये आगे कंटिन्यू करेगी। इसकी साइड्स पे दोनों तरफ में कमर्शियल प्लॉट्स हैं। अब्दुल्ला ब्रॉडवे का इसको नाम दिया गया। तो हम आ चुके हैं जी इस वक्त हैदर ब्लॉक के अंदर। अक्टूबर 2023 का महीना है, तकरीबन एंड होने वाला है अक्टूबर। तो मैं आपको स्ट्रीट टूर करवाने जा रहा हूँ इसका। ये मेन बुलेवार्ड के ऊपर हम आ गए हैं। पीछे से भी काम जारी है और आगे भी इसके ऊपर काम जारी है। दो तरफा ये रोड बनाई जा रही है, बीच में बहुत कुशादा ग्रीन बेल्ट और उसके ऊपर प्लांटेशन की जा रही है। लेफ्ट साइड पर सारे के सारा हैदर ब्लॉक है। इस मेन बुलेवार्ड के साइडों के ऊपर 10-10 मरला के रिहायशी प्लॉट्स हैं और फिर इसके आगे 5 मरला के रिहायशी प्लॉट्स हैं। इस वक्त हम जो हैदर ब्लॉक है उसके मिड में मौजूद हैं। ये उसका एक बड़ा फैमिली पार्क है जिसको रेडी किया जा रहा है। प्लांटेशन इसमें की जा रही है, इसके अंदर बेंचेस वगैरह लगाए जा रहे हैं। तो ये इस वक्त हैदर ब्लॉक की डेवलपमेंट की सूरत हाल है। हैदर ब्लॉक में रोड स्ट्रक्चर सारे बन चुके हैं। रोड्स के ऊपर बजरी सीमेंट, बजरी रोड़ी वगैरह डाल के इसको कम्पैक्ट कर दिया गया है। और इसके ऊपर जो है ना वो सीवरेज का काम भी मुकम्मल किया जा चुका है। और मुकम्मल तौर पे हैदर ब्लॉक सारे के सारे प्लॉट्स इसके ऑन ग्राउंड हो चुके हैं। ना सिर्फ सारे प्लॉट्स ऑन ग्राउंड हो चुके हैं बल्कि इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लोग यहाँ पे अपने घर बनाना शुरू कर दिए लोगों ने। ये सामने आपके पास है, ये घर है, इसका दूसरा लेंटर का काम चल रहा है। इसके अलावा 2 से 3 और घरों के काम शुरू हो चुके हैं। इस तरह पीछे भी आपने देखा बुनियादें बन चुकी हैं, इधर भी बुनियादें बन चुकी हैं। इसके अलावा एक और घर की बुनियादें भी यहाँ पर बनाई जा रही हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा। ये हम आ गए हैं जी हैदर ब्लॉक की बैक साइड के ऊपर। यहाँ पे 5 मरला के प्लॉट्स हैं जी, 33 लाख रुपए 5 मरला के प्लॉट्स की कीमत है। 8.5 लाख रुपए एडवांस पेमेंट थी और इसका फौरी कब्जा था और 3 साल में पेमेंट खिलाफ ने क्लियर करनी थी। इस वक्त जो इसकी करंट सूरत आला डेवलपमेंट आपके सामने है, जो प्राइसेस की सूरत आला या पेमेंट की सूरत आला, वो तकरीबन 12 लाख के करीब लोग पेमेंट कर चुके हैं। और इस वक्त हैदर ब्लॉक के तमाम तर प्लॉट्स जो है ना वो पॉजिटिव हैं, प्रॉफिट के अंदर हैं। यहाँ अभी भी करंटली यहाँ पे सेल परचेज हो रही है, रीसेल में सारे प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप यहाँ पे परचेज करना चाहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इस पे प्रॉफिट देना होगा। लोकेशन के हिसाब से इसमें प्रॉफिट आई। इसकी जो शुरू की इनवाइस है वो 33 लाख रुपए की थी, जो बाद में इनवाइस आई थी वो 35 लाख रुपए की थी। 35 लाख वाली इनवाइस में कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, वो फ्रेश प्लॉट्स आपको मिलेंगे, उसमें 1 से 2 इंस्टॉलमेंट्स आपको जमा करवानी होगी। लेकिन अगर आप 33 लाख वाला लेंगे तो आपको 12 से 13 लाख रुपये डाउन पेमेंट करना होगी और विद प्रॉफिट ना, तो टोटल प्लॉट आपको 33 लाख रुपए का कॉस्ट करेगा तमाम डेवलपमेंट चार्जेस के समेत। तो जहाँ देख प्लॉट्स हमारे पास रीसेल में अवेलेबल है अच्छी लोकेशन के, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। तो ये हम बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं। ये जितनी डेवलपमेंट आपने देखी है तकरीबन 8 से 9 माह के अंदर की डेवलपमेंट की गई है। अभी जहाँ सामने मशीनरी आपको नजर आ रही है, इसकी अगली साइड के ऊपर अली ब्लॉक है, फिर यहीं से रास्ता जाता है आगे सी और डी ब्लॉक को। अली ब्लॉक के अंदर तमाम अली ब्लॉक भी ऑन ग्राउंड है, इसमें 3.5 मरला के प्लॉट्स थे और इसके 24 लाख रुपए की कीमत है, 6,20,000 से बुकिंग है। तो अली ब्लॉक के अंदर भी चंद एक प्लॉट्स अवेलेबल हैं जो कि 2 से 4 गिनती के प्लॉट्स हैं। तो अगर आप वो भी खरीदना चाहते हैं 3.5 मरले का प्लॉट 24 लाख रुपए में, तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। उसकी 6,20,000 डाउन पेमेंट है, 5 से 6 लाख रुपए 5 से 6 आपको साथ इंस्टॉलमेंट भी जमा करवानी होगी। ये जो अभी राइट साइड पर जो प्लेस है, जो लेवल पे है, ये हैदर ब्लॉक के अंदर दूसरा पार्क है। पहला पार्क डेवलप हो चुका है, इंशाल्लाह बहुत जल्द कंपनी दूसरा पार्क भी डेवलप कर देगी। हैदर ब्लॉक की सारी जो डेवलपमेंट है तकरीबन 8 से 9 माह के अंदर कंप्लीट की गई है। अल रहमान डेवलपर्स का यह प्रोजेक्ट है। अल रहमान डेवलपर्स अलहमदिल्ला अरसा दराज से रियल एस्टेट से मुंसलिक है और आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स ने लॉन्च किए हैं सारे के सारे प्रोजेक्ट्स अलहमदिल्ला कामयाबी से चल रहे हैं और इनका मार्केट के अंदर कोई भी आपको इफेक्टिव नहीं मिलेगा और तमाम तरह चीज़ें इनकी पॉजिटिव में और प्रॉफिट में है। तो रहमान डेवलपर्स के किसी भी प्रोजेक्ट में आपकी इन्वेस्टमेंट जो भी है अलहमदिल्ला सेफ एंड सिक्योर और 100% प्रॉफिटेबल होगी। तो अभी मौजूदा हमारे पास 5 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर लो कॉस्ट में बड़ी जबरदस्त चीज़ें अवेलेबल हैं। सेक्टर 42 नया ब्लॉक अल रहमान गार्डन फेज 7 का लॉन्च हो चुका है, जिसमें 3.5 मरला का जो प्लॉट है वो 17,85,000 कॉस्ट ऑफ लैंड है। उसकी बुकिंग सिर्फ आप 1,50,000 से करवा सकते हैं, 17,000 महाना किस्त है। 5 मरले का प्लॉट अगर आप सेक्टर 42 में बुक करवाएंगे तो 25 लाख रुपया उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड होगी। 2,25,000 से आप बुकिंग करवा सकते हैं और 22,000 महाना किस्त है। डिटेल पेमेंट प्लान आपकी मैं स्क्रीन पर अटैच कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं चौथा पांचवा जो है ना एक और प्लॉट बन रहा है,
जिसके ऊपर बुनियादें बन चुकी हैं। तो हैदर ब्लॉक का अपने स्ट्रीट वर्क सारी की सारी डेवलपमेंट हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्लॉट्स ऑन ग्राउंड है। तो अल रहमान गार्डन फेज 7 के अंदर अगर आप कोई ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं या फिर 12-13 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट का आगाज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा 5 साल की इंस्टॉलमेंट पर भी चीज़ें अवेलेबल हैं जिसकी बुकिंग सिर्फ 1.5 लाख से होती है और 17,000 महाना किस्त है। तो किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट के लिए या सेल परचेज के लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।